हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। और आज हम जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि अभी हमें छुट्टियां पड़ी है विंटर वेकेशन। तो साथ में क्रिशु भी जा रहा है। क्रिशु आज बैठा है फ्रंट सीट पे, तो क्रिशु बड़ा खुश है और मैं बैठी हूँ आज पीछे। क्रिशु अकेले बैठाएंगे आगे। उसके बाद हमने क्रिया में गाड़ी रोकी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे मोमोज बनते हैं। जैसे हम जब भी घर जाते थे यहाँ पर मोमोज जरूरी खाते हैं, तो हमने पैक करवा लिए थे घर के लिए। हमने चाउमीन पैक करवाई थी और बीच में हमने गाड़ी रोकी। यहाँ पर पानी था नेचुरल, तो हमने यहाँ पे पानी की बॉटल्स वगैरह भरी। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना मोमो यहीं पे खा ली जाए, क्योंकि हमें भूख भी लगी थी, लंच टाइम भी हो रहा था। तो फिर हमने सब ने यहाँ पे मोमोज़ खाए, जो कि आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी मोमो, मतलब एकदम मैं बोलूँ तो यूनिक मोमो बनाते हैं क्रिया की जो मोमो की शॉप है। बहुत ही टेस्टी मोमो होते हैं इनके। तो हमने यहाँ पे मोमोज़ खाए, उसके बाद हम लोग सारे गाड़ी में बैठे, फिर चल पड़े हम घर की तरफ। उसके बाद यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी। देखो यहाँ पे एक बड़ा पहाड़ है और जिसके बीचों बीच सड़क बन रही है। मतलब एक सड़क भी कितना टफ बनाना काम, मतलब कितना टफ होता, तो इसको पूरा पहाड़ ही दिख रहा है, पर इसको खोद खोद के सड़क बनाई जा रही है। फाइनली हमने गाड़ी जैसे भी नीचे पार्क कर दी थी और ऊपर के लिए हम लोग अब चढ़ रहे थे चढ़ाई, क्योंकि हमारे घर के लिए चढ़ाई तो है ही। उसके बाद हम लोग इतना सा चढ़ाई, क्योंकि हमारे घर के लिए थोड़ी सी चढ़ाई, इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि रोड काफ़ी ऊपर तक पहुँच चुका है। उसके बाद हम लोग घर पहुंचे तो पिशु मिला अपनी दादी एंड बुआ से। तो पिशु बार बार कभी फ्री टच कर रहा, कभी भाग के आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग सभी से मिले। आई होप आपको ये मेरा मिनी ब्लॉग अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टाटा बाय बाय।